जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। वारदात के बाद पीड़िता ने अपनी मां को जानकारी दी, जिसके बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। जानकारी के मुताबिक संजीवनी नगर में रहने वाले रंजीत कुशवाहा के खिलाफ 22 वर्षीय युवती ने थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़िता ने शिकायत में पुलिस को बताया कि रंजीत के घर में दोपहर में कोई नहीं था। उसने काम के बहाने पीड़िता को अपने घर में बुलाया और दरवाजा बंद करके जबरन बलात्कार किया। इसके बाद इसने पीड़िता को धमकी भी दी कि वह इसके संबंध में किसी को न बताए, वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। आरोपी रंजीत द्वारा किए गए गलत काम से आहत पीड़िता ने अपने घर पहुंचकर मां को वारदात की जानकारी दी और थाने पहुंचकर FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने 376 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की और उसे गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर से सुनील सेन की रिपोर्ट। आज दिनांक 20 तारीख को एक संजीव नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने आकर अपनी मां के साथ रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके साथ एक लड़की के द्वारा गलत कार्य किया गया है, जिसकी शिकायत आवेदन पर धारा 376 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसके जो आरोपी है उसको तलाश पत्र साझी करके उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम रंजीत कुशवाहा है, जो कि थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है।